Once again, a very good evening to all of you, dear students. Now, as we have completed our previous chapter, that is the hack driver. After that, today we have to read new chapter, and which is the making of scientist. Basically, in this chapter, we will read about H. E. Bright. Okay, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, और देखेंगे कैसे उन्होंने सेल्स के बारे में, ठीक है ना, अपने थ्योरी को दिया. Getting everyone? So let's start without any further delay this chapter and try to understand. चलिए सबसे पहले देखते हैं the making of scientist. Richard E. Bright has received the Seller Scholar Award and the Searching Plough Award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. Okay, so regarding, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, इनको ये अवार्ड मिला है. अरे बस समझ में ना, ये अवार्ड इनको मिला है तो दो कारण से. What was the main reason behind it? तो ये main reason ये था उसके पीछे, butterflies. Okay, ठीक है ना, तो इनका जो fondness था बटरफ्लाई को लेके, दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट दैट. ओके, इनका इंटरेस्ट किधर गया, तो साइंस की तरफ गया. अरे बस समझ में, तो जनरली इसी के बारे में बताया गया है. गाइस, देयर इज नो नीड टू मैसेज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स. उस पे आप लोग ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए. ओके, तो हम देख रहे हैं कि इनको अवार्ड में मिला गया है, ठीक है. और ये स्टार्टिंग कब से होता है, इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. और ये किस कारण से, तो इनका जो फैसिनेशन था बटरफ्लाइज को लेके, उसके कारण उनको मिला है, ठीक है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. अब बेसिकली हम लोग देखेंगे हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग देखेंगे कि कौन इसके राइटर, एंड आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट इट. ओके, अब देखो, ओके गाइस, तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन वाज अ फेमस अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर हु लेटर बिकेम अ फ्रीलांस ऑथर ऑफ मैगजीन आर्टिकल्स. ही रोट विद द अथॉरिटी एंड पर्टिकुलरली ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पोर्ट एंड स्काउटिंग. ही वाज बोर्न इन 1925 इन पेंसिल्वेनिया इन द यूएस एंड डाइड ऑफ लंग कैंसर ऑन 11 फरवरी 2006. अब देखो, हम लोग रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन की बात करते हैं, तो ये क्या है, तो एक फेमस अमेरिकन न्यूज़पेपर है, ठीक है ना, राइटर है. बाद में क्या हो जाते हैं, तो फ्रीलांस ऑथर हो जाते हैं मैगजीन्स आर्टिकल्स के. और इन्होंने ही, ठीक है ना, ही रोड विद द अथॉरिटी पर्टिकुलरली ऑन द टॉपिक ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्काउटिंग. ही वाज बोर्न इन 1925 इन पेंसिल्वेनिया इन द यूएसए एंड डाइड ऑफ द लंग कैंसर ऑन 11 फरवरी 2006. और इनका जो डेथ हो जाता है, कब हो जाता है, तो 11 फरवरी 2006 को इनका डेथ हो जाता है. तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले ये हमारे जो राइटर हैं उनके बारे में, ठीक है, हरी बात समझ में. तो बेसिकली इसके राइटर कौन है, तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है. नाउ आगे की तरफ बढ़ते हैं. अब थोड़ा सा इसका जो पार्ट है, समरी है, थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है. तो देखो, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ अ यंग स्टूडेंट हु डिड मार्वेलस वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस. अरे बात समझ में ना, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो ये स्टोरी है, बहुत ही एक फैसिनेटिंग स्टोरी है एक स्टूडेंट के बारे में, जो कि एक पार्टिकुलर सेक्टर में, पार्टिकुलर, ठीक है ना, वे में ये बहुत ही बेहतरीन वर्क करते हैं, काम करते हैं साइंस के संदर्भ में, ठीक है ना. रिचर्ड ई ब्राइट, a solitary child, had a great fascination for catching butterflies in his childhood. ab dekho, Richard E. Bright ki baat ho rahi hai na, the bachpan mein jab wo akele rehte the, he was not much more friends to play with them, unke sath khelne ke liye, to basically kya karte the na, कि उनका एक सोलिटरी, एकांत में एक बहुत ही अच्छा उनको वर्क लगता था, काम लगता था जिसको वो करते थे. और उनका वर्क क्या रहता था, कि वो बटरफ्लाइज को कैच करते थे. गाइस, अरे बात समझ में ना, कैच करते थे मतलब पकड़ते थे. ये इनका बहुत ही, इनको मतलब इसी एक इस वर्क में फॉन्ड भी आता था, मजा भी आता था. अब इसके साथ ही साथ ये क्या करते थे, इनकरेज्ड बाय हिज मदर. अब देखो, इनको सबसे ज्यादा इनकरेज वर्क के लिए कौन करती थी, तो इनकी माँ करती थी. इनकरेज्ड बाय हिज मदर ही केप्ट ऑन इनरिचिंग हिज ट्रेजर ऑफ रॉक्स, फॉसिल्स, क्वाइन एंड बटरफ्लाइज. ही वॉज एबल टू कलेक्ट ऑल 25 वेराइटीज ऑफ बटरफ्लाइज एंड
thus started losing interest in collecting and tagging the butterflies. सारी बात समझ में ना, ठीक है। तो इनकी माँ जो थी इनको बहुत ज्यादा कॉपरेट करती थी, इवन इनको हेल्प करती थी इनके वर्क में, सारी बात समझ में ना। और वो क्या थे इनके वर्क में, जब 25 स्पीसीज जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, बटरफ्लाइज, उनको ये कलेक्ट करने में भी हेल्प करती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज होने लगता है, क्योंकि इट इज शॉर्ट काइंड ऑफ टीडियस वर्क, काफी ज्यादा थकान वाला काम है ये, ठीक है ना, जिसके कारण कि बहुत सारे बटरफ्लाइज को कैसे ये, ठीक है, कर सकते हैं कलेक्ट एक जगह पे, तो थोड़ा सा ये शॉर्ट काइंड ऑफ टीडियस वर्क भी था उनके लिए, ठीक है। यस अरिति, इट हैज नॉट गिवन इन बुक, ये मैंने, ठीक है ना, आप लोगों के लिए लाया है ये, तो देखिए इसको, बस समझने की कोशिश कीजिए बुक का है कि नहीं है, देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेसिकली इसको पढ़ने के बाद ना आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आ रही बात समझ में ना, एंड आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट, गेटिंग ओके। अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या होता है इसके आगे। तो ये 25 वेराइटीज ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई को ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, यहां तक हमने देखा। बट द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर उर्खात, ही स्टार्टेड डूइंग मोर कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बटरफ्लाईज। बट जैसे ही एक इनको मेंटर मिलते हैं, आ रही बात समझ में ना, उनका नाम क्या रहता है, डॉक्टर उर्खात, उनके हेल्प से वो क्या करते हैं, कठिन से कठिन काम को, बटरफ्लाईज को भी वो क्या करते हैं, ठीक है ना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, वो सीखते हैं। चलिए हम लोग ये आगे भी पढ़ेंगे किस टाइप का वो, इन विच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू डू, डेफिनेटली वी विल रीड इन नेक्स्ट। अरे बस समझना, दिस इंटरेस्टेड हिम टू ओपन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट ऑन द बटरफ्लाइज, दिस इंटरेस्टेड हिम टू ओपन न्यू विस्टास। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्टास, ब्यूटीफुल व्यू, अरे बस समझ में ना, ऑफ साइंस एंड इनकरेज हिम एज ही वॉज गेटिंग अवार्ड आफ्टर द अदर फॉर द डिस्कवरीज। अब देखो जैसे ही इनको डॉक्टर उर्खात मिलते हैं एज ए मेंटर, उसके बाद से इनको और भी ज्यादा ना एक व्यू मिल जाता है कि नया नया डिस्कवरी करने का ऑन बटरफ्लाइज, आ रही बात समझे ना, बटरफ्लाइज में। और उसके बाद ये काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, एक ब्यूटीफुल व्यू मिल जाता है कि कैसे इनकरेज हो जाते हैं उनके वर्क से, उनको हेल्प करने वाला इस सेक्टर में कोई मिल जाता है, जिसके कारण एक करके एक एक के बाद एक इनको क्या मिलने लगता है, अवार्ड मिल जाता है अकॉर्डिंग टू हिज डिस्कवरीज। ओके, वी विल ऑल्सो रीड इन विच टाइप ऑफ डिस्कवरी ही हैज डन। ओके, अब चलिए, देन ही वॉज लकी इनफ टू गेट अ चांस टू स्टडी डीएनए एंड ही गेव अ न्यू थ्योरी अबाउट फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ सेल्स। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दैट सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बींग लाइफ। ओके, तो आप जानते हो ना अच्छे तरीके से, तो इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी किया किस चीज का, है डीएनए, ठीक है ना, डीएनए, गेट चांस टू स्टडी डीएनए एंड ही गेव अ न्यू थ्योरी अबाउट द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। इन्होंने सेल्स का, सेल्स पे, ठीक है ना, एक नया थ्योरी दिया, जिसके बाद ये सारा कुछ हम लोग भी बेसिकली, आप सभी भी पढ़ रहे हो साइंस में, पढ़ते हो ना, खाली बात समझ में, उसी का ये देन है। ही चाइल्डहुड इंटरेस्ट लेंड हिम टू बिकम अ फुल टाइम साइंटिस्ट। अब देखो बचपन से ही ना इनको काफी ज्यादा कॉपरेशन मिलता था बाय द मीडियम ऑफ हर मदर, ओके, एंड एज वेल एज सम मेंटर्स टू, दैट्स व्हाई ही वाज वेरी मच फैसिनेटेड रिगार्डिंग टू बी अ साइंटिस्ट। आ रही बात समझ में ना, ही वाज एन एक्सीलेंट डिबेटर, स्पीकर, वंडरफुल फोटोग्राफर टू। अब देखो अगर जहां तक इनकी बात करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे क्या थे, ठीक है ना, हिज, अब देखो, ही वाज एन एक्सीलेंट डिबेटर, स्पीकर एंड वंडरफुल फोटोग्राफर टू। अरे बात समझे ना, तो बहुत अच्छे एक वाद संवाद करने वाले व्यक्ति थे, वक्ता थे, और इनको फोटोग्राफी में भी काफी ज्यादा रुचि थी। ओके गाइस, तो बेसिकली ये था जो चीज हम लोग को टोटली बुक में पढ़ना है, विच इज अ कंसाइज वे विच आई हैव गिवन हियर। ओके, तो चलती है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और वन बाई वन हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके एवरीवन, आगे बढ़िए। अब देखो ये आपके रॉबर्ट ई ब्राइट है, ठीक है, बर्न 11 जून 1959। आपका ये वर्क है, दिस इज योर होमवर्क, दैट यू हैव टू फाइंड वेदर ही इज अलाइव और नॉट। तो देखो बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा, ओके, आपको यहाँ पे मैंने राइटर्स के बारे में भी बताया है, ठीक है, जो राइटर है उनके बारे में भी, राइट, अरे बात समझ में ना, गेटिंग गाइस, तो ये सारा कुछ आर्टिकल्स यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस, दिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। ओके,
आप लोग इसके बारे में जानिएगा, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना है कि कौन इसको लिखे हैं, कहाँ से वो आते हैं। डेफिनेटली एंड वाट एवर हैज लेफ्ट डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू, मैं उसको भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको वन बाय वन, और आपको सभी पढ़ जाना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट आवर चैप्टर विच वी हैव टू रीड, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ। अब कैसे एक जो बुक था उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स बना, वी हैव टू रीड एंड फाइंड द आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो, एज वेल एज हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और उनकी मदर कैसे उनको मदद करती हैं, ठीक है ना, कैसे वो उनको हेल्प करती हैं उनके वर्क में, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद द न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। अब देखो यहाँ पे पहले ही लाइन पे ये दिया गया है ना कि जब एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट, व्हाट डू यू मीन बाय स्काउट, अ मेंबर ऑफ द स्काउट एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो मेंबर जो पहले, ठीक है ना, या अभी भी क्या हो अपने अ मेंबर ऑफ स्काउट एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए रहते हैं उन्हीं को बोला जाता है स्काउट, ठीक है ना। तो 22 इयर्स के एज में, ठीक है ना, इन्होंने क्या दिया, एक न्यू थ्योरी दिया वर्ल्ड को, एंड दैट इज अबाउट सेल्स, ठीक है ना, वर्क वर्क ऑफ सेल्स, इसके बारे में उन्होंने थ्योरी दिया। अब देखो रिचर्ड एच ई ब्राइट हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। अब सबसे पहले गाइज यू मस्ट हैव टू फोकस वेयर आई हैव अंडरलाइंड, जहां पे भी मैंने अंडरलाइंड किया है ना उस बात पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखो दूसरा लाइन में है कि रिचर्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूम मेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। अब आ रही है समझ में ना, तो रिचर्ड एच ई ब्राइट और उनके जो कॉलेज के रूममेट्स थे ना, उन्होंने एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, और वो थ्योरी फर्स्ट टाइम वहां का ना जो सबसे फेमस हम लोग बोलते थे जनरल, अरे बात समझ में ना, जो आर्टिकल जिसमें छपता है उसमें इसको पहली बार जगह मिला इस आर्टिकल को छपने के लिए, और उसका नेम क्या था, द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, वो क्या था, द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में फर्स्ट टाइम ये आर्टिकल क्या हुआ, पब्लिश हुआ, एंड इट इज द बिग जनरल प्लेटफॉर्म ऑन दैट प्लेस, अरे बात समझ में ना, वहां पे। अब देखो What was the first time? It was the first time the important scientific journal had ever published the work of college students. अब देखो पहली बार ये हुआ ना, ठीक है, कि जनरल, मैंने जनरल का भी बताया आपको, a newspaper or magazine especially on which all the articles are about particular subject or profession. यानी वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्या दिया था, मैगजीन के बारे में स्पेशली, ठीक है ना, आर्टिकल जो होता है छपता है, अरे बात समझ में, उसी को बोलते हैं जनरल, वो प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है, कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स के वर्क को, थ्योरी को, ये पहली बार हुआ ना कि उन्होंने पब्लिश किया, ठीक है ना, उसको वहां पे छापा। अब देखो आगे देखते हैं, इन स्पोर्ट्स द वर्ल्ड इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट फॉर रिचर्ड ई ब्राइट। अब देखो यहां पे कंपैरिजन किया गया है, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। अब आगे देखो, इन स्पोर्ट्स यहाँ पे कोलिडेट किया गया है, ठीक है ना, कि जो इन्होंने वर्क किया उसको कोलिडेट किया गया है, कि जैसे कि खेल में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग, जैसे कि कोई बड़े बिग लीग में खेल रहा है इंसान एट द एज ऑफ 15, बहुत ही कम उम्र में, यानी कि 15 की उम्र में, और हिटिंग अ होम रन। अब देखो होम रन यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली ये बेसबॉल से क्या किया गया है, इंडिकेट किया गया है कि बेसबॉल गेम ना, वहां पे शॉर्ट काइंड ऑफ बेसबॉल गेम जो होता था काफी ज्यादा पॉपुलर होता था, ठीक है। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि बेसबॉल में मैच में उसने एक बड़े से लीग में बहुत ही अच्छा कारनामा किया है, रन बनाया है या हिट किया है, उसी को साहिल शॉर्ट काइंड ऑफ बोल सकते हैं, बट बेसबॉल की बात हो रही है, वहां का पॉपुलर गेम बेसबॉल था, ठीक है, आ रही बात समझ में, गेटिंग फॉर रिचर्ड ई ब्राइट। अब चलो आगे, देयर इज नो नीड टू मैसेज, जस्ट Put your focus here. तो यहाँ पे हमने देखा कि एक वर्ड है जनरल और एक क्या है स्काउट, यू कैन सी द मीनिंग ऑफ दैट बोथ वर्ड, ओके, अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन स्पेशली ऑन विच ऑल द आर्टिकल्स आर अबाउट पार्टिकुलरली सब्जेक्ट और प्रोफेशन, अरे बात समझो ना, जनरल उसी को बोलते हैं, और स्काउट अ मेंबर ऑफ द स्काउट एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो सदस्य जो स्काउट एसोसिएशन से, ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था से जुड़ा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं,
क्या दिक्कत है क्या यहाँ तक किसी को? एनीवन गाइस, किसी कोई प्रॉब्लम है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वेरी गुड। अब देखो, एन ओनली चाइल्ड इब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ फॉर रीडिंग पेनिसवानिया, देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। अब देखो, ये बता रहा है ना कि ये जहां से आते थे वो जगह का नाम क्या था, तो पेनिसिल्वानिया जगह था, ठीक है ना, वहां से ये आते थे और उसके बारे में चर्चा की जा रही है और बताया जा रही है कि एन ओनली चाइल्ड, यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे नहीं थे कि जिनके साथ वो खेल सके, अपने टाइम को स्पेंड कर सके ना, देर वॉज वेरी फ्यू चिल्ड्रेन देयर, अरे बात समझना, तो वहां पे बहुत ही कम बच्चे थे। तो वो बता रहे हैं क्या कि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वानिया में देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। वहां पे वो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, यानी बहुत सारे बच्चे नहीं थे कि जिसके साथ खेले, अपने टाइम को स्पेंड करें। अब देखो क्या करते, आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विथ अ टीम ऑफ वन। वो बोला है कि निश्चित है मैं अकेले, ठीक है ना, ना ही फुटबॉल मैच खेल सकता हूँ, ना ही बेसबॉल खेल सकता हूँ, तो उसके लिए तो टीम की जरूरत पड़ती है ना, विदाउट टीम हाउ विल वी प्ले, आई बस समझ आए, तो बिना टीम के हम लोग खेलेंगे कैसे। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, और बोल रहे थे लेकिन एक चीज था जिसको मैं इंजॉय के साथ कर सकता था, ठीक है ना, और वो क्या वर्क था कि कलेक्ट करना, सामान को कलेक्ट करना, दिस वॉज माई वर्क, दिस वॉज माई हॉबी। ओके, अब देखो, सो ही डिड, और यही कारण था कि मैंने ऐसा किया, एंड डिड ही एवर, और हमेशा के लिए करते गए। बिगनिंग इन किडर गार्डन, ई ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क ऑल हिज एक्टिविटीज। अब देखो, बचपन से ही ना ये बता रहे हैं कि इनको आदत था, फॉन्डनेस था बटरफ्लाइज को क्या करने का, कलेक्ट करने का, ठीक है ना। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स, क्वाइन, और इनकी ये भी आदत थी कि रॉक्स को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स को क्या करे, ठीक है ना, कलेक्ट करे, फॉसिल्स को कलेक्ट करे, क्वाइंस को कलेक्ट करे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू Sometimes gaze, star gazing all nights. अब देखो, कभी कभी ये क्या होते थे ना, इनकी मम्मी ला के दे रही थी इनको टेलीस्कोप, उसके हेल्प से वो क्या करते थे, तो बहुत देर रातों में वो तो एक एस्ट्रोनॉमर की तरफ थिंकिंग करते रहते थे, और रात में वो, ठीक है ना, सितारों को, चांद को देखा करते थे उससे। ओके गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। अ होम रन इन द गेम ऑफ बेसबॉल इज वेन द बेटर स्कोर्स अ रन आफ्टर रनिंग सेफली अराउंड ऑल बेस एंड बैक टू द होम प्लेट विथ Without stopping. अभी पहले आप लोग बताओ, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? Is there anyone who has any type of problem? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? No sir. ठीक है, very good. ठीक है. From the first he had driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. अब देखो, from the first he had a driving curiosity along with a bright mind. यानी अगर शुरुआत से ही अगर इनकी चर्चा की जाए ना, then he was a scholar person. ये क्या थे, तो काफी ज्यादा scholar इंसान थे, ठीक है, बचपन से ही हमेशा ये examination में अच्छा इनका rank आना, ठीक है, अच्छे percentage से ये qualify करते थे, even इनका ना जो भी work करते थे उसमें काफी ज्यादा curiosity के साथ उस work को करते थे. What do you mean by curiosity? उत्सुकता के साथ, इंटरेस्ट के साथ, ईगरफुल के साथ उस वर्क को वो करते थे, ठीक है ना. ब्राइट माइंड, यानी बोला जा रहा है कि हमेशा कंसंट्रेट होकर, ठीक है ना, उस वर्क को करते थे. ही ऑल्सो हैड अ मदर, उनकी माँ भी थी, हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो कि उनके इंटरेस्ट को, हाँ निहारिका, वेरी गुड, एक्साइटेड के साथ, ठीक है, तो वो क्या करती थी, ठीक है, उनको इंटरेस्ट को वो क्या करती थी, इनकरेज करती थी, बढ़ाती थी कि पढ़ाई में उनका और भी इंटरेस्ट लगे और वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करे. एंड दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट दैट ना शी वाज आल्सो बिहेव लाइक दैट, शी वाज अ फ्रेंड ऑफ चाइल्ड, वो अपने बच्चे की क्या है, तो एक तरीके से फ्रेंड है. अब देखो, इसी कारण शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स पे ले जाती थी, बाउट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स, एंड हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज.
ठीक है ना। तो ये सारा कुछ भी इक्विपमेंट्स आप देख सकते हो वो खरीदती थी, और बहुत सारे वर्क में बहुत सारे वे से वो क्या करती थी, तो मदद करती थी। ओके एवरीवन, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन इट? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक समझने में? ठीक है, आप भी अपने मम्मी से बोलो कि इफ यू वांट अ गुड मार्क्स फ्रॉम मी देन यू हैव टू ऑल्सो बाई सम थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो इस प्रकार का कुछ चीज हमारे लिए खरीदिए, डेफिनेटली वी विल गेट मोर मार्क्स। ओके, समझ में आ रही है सभी को? नेक्स्ट, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। अब देखो वो क्या बता रहे हैं कि जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है, उससे पहले यानी कि उनका स्कूल जाने का जर्नी स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले में ही उनकी क्या थी, एक कंपेनियन, दोस्त थी, ठीक है ना, जो उनके साथ हमेशा रहा करती थी। अब देखो, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। देखो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप भी अपने घर पे मैसेज दे सकते हो कि मम्मी डांटती है ना बहुत सारे फ्रेंड्स अगर हमेशा आते हैं तो, स्पेशली फ्रॉम बॉयज इफ यू टॉक अबाउट दैट, ठीक है ना, डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं? उनकी मम्मी फ्रेंड्स जब आते थे ना उनको इन्वाइट भी करते, अच्छा मेरे घर पे आओ, मेरे बेटे से बातचीत करो, ठीक है, यहाँ पर खेलो। तो वैसे वो दूसरे बच्चों को इन्वाइट करते थे कि घर पे आए, मेरे बेटे के साथ रहे, ठीक है ना, आ रही बात समझ में? बट ठीक है, बिकॉज वो जानती थी कि सोशल एजुकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चों के बीच में नहीं रहेगा तो सोशल एजुकेशन इसका कैसे इंप्रूव होगा, ठीक है ना, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अलॉन्ग विथ स्टडी दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग टुगेदर। अब देखिए, लेकिन दिन भर तो छोड़ती थी कभी कभी कि आप जाओ दोस्तों के साथ रहो, लेकिन पर डे राइट की बात हो, रात की बात हो, तो वो हमेशा एक साथ रहते थे, ठीक है ना। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। अब देखो रिचर्ड जो है ना, ये हमारे ये ब्राइट जी, ठीक है ना, रिचर्ड ई ब्राइट जी हैं, तो उनकी मम्मी उनको प्यार से क्या बुलाती हैं, रिची बुलाती हैं, क्या कहकर बुलाती हैं, रिची, ठीक है। तो वो बता रहे हैं ना कि रिची वाज माय होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड। अब बता रही हैं कि जो रिचर्ड्स के पिताजी थे, ठीक है, वो किस रिचर्ड्स उस समय किस क्लास में थे, तो थर्ड ग्रेड में थे, तभी उनकी डेथ हो गई, यानी बहुत बचपन में ही, जब वो छोटे ही थे तभी उनके पिताजी उनको छोड़कर चले गए। इवन उनके बाद उनके साथ रहने वाला कोई भी नहीं था, वो केवल माँ और बेटे दोनों एक साथ। वो बता रही थी ना कि उसके पिताजी के जाने के बाद यही मेरा सहारा था जिसके साथ मैं हमेशा रहा करती थी, कि रिची वॉज माई होल लाइफ, ये क्या है, मेरा पूरा दुनिया यही, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा देखा आपने कि कैसे तरीके से वो स्टार्टिंग में वो हेल्प करती हैं, कोऑपरेट करती हैं हर एक चीज में। अब देखो आगे भी मालूम चलेगा, सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। अब देखो वो बता रही है ना कि मैं और मेरा बेटा स्पेशली प्रत्येक शाम को खाना भोजन जो होता था द डाइनिंग रूम टेबल पे हम लोग बैठकर एक साथ भोजन किया करते थे। इफ यू डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, अगर उसके पास कोई काम नहीं रहता था, किसके पास, रिचर्ड्स के पास, ठीक है, तो आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उनके लिए कुछ काम खोज के लाती थी, नॉट फिजिकल वर्क, ये नहीं कि ये काम करो वो काम करो, बट लर्निंग थिंग्स, पढ़ने के लिए मैं उसके लिए कुछ कुछ, ठीक है ना, मटेरियल जो था उसको मैं प्रोवाइड करती थी कि जिससे वो क्या करे, पढ़ाई करे। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, और वो बोलते थे अपनी मम्मी से, ठीक है ना, कि उनको भी ये अच्छा लगता है, पसंद है। ओके गाइस, उनकी माँ बताती हैं, हिज मदर सेड, यानी उनकी माँ बोलती थी ही लाइक्ड इट, और जो वो लेके आती थी पढ़ने वाला मटेरियल, ये नहीं कि वो बोर फील करेंगे हमेशा पढ़ने के लिए आता है, ऐसा कुछ नहीं, वो उसको बहुत अच्छा उनको लगता था रिचर्ड्स को। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में कि कैसे उनकी मम्मी उनको हेल्प कर रही है, हर एक जो इक्विपमेंट्स होता है वो ला के दे रही है, ठीक है, बचपन में ही क्लास थर्ड में ही थे, ग्रेड में थे, तब तक उनके पिताजी क्या हो गया था, डेथ हो गया था, डेथ के बाद वो ऑलमोस्ट बोलती थी कि जो भी है ये सारा मेरा दुनिया है, ठीक है ना। साहिल बोल रहा है कि सर ये हम लोग को नहीं, पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए, अभी फिलहाल तुम बिना मैसेज किए हो इसको पढ़ लो, दिस इज मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है, एज आई एम टीचिंग यू मस्ट हैव टू पुट योर कंसंट्रेशन हियर, ये पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए, हद है, क्यों पेरेंट्स तुमको नहीं भेज रहे, पेरेंट्स घर पे भी तुम्हारे स्टडी में तुमको हेल्प कर रहे हैं, तुम अच्छे तरीके से पढ़ाई करो ना। ओके, एंड देयर इज नो नीड टू मैसेज राइट नाउ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन मैसेज इट, अदरवाइज ट्राई टू लिसन। ओके, सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग टेबल, एज आई हैव सेड अबाउट दिस ऑल, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ वर्क था, आ रही बात समझ में, अब आगे देखते हैं।
ही वॉन्टेड टू लर्न एंड लर्न ही डिड। अब देखो बता रही है रिचर्ड्स की माँ कि वो पढ़ना चाहता था एंड लर्न ही डिड, और उसने पढ़ाई भी की। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। देखो जब कभी भी, अब तुम भी सीख लो कुछ, ठीक है, तुम्हारे लिए भी है, सही। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। जब भी वो स्कूल में रहे जब तक वो हमेशा टॉप ग्रेड्स इनका आता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स हिज मदर सेड। अब देखो जैसे कि आप जनरली देखते हो ना कि दूसरे किड्स जैसे बिहेव करते हैं, रहते हैं, वैसा ही इनका भी रहने का तरीका था, ठीक है, और वैसे ही रहते थे। ये नहीं कि ये इनका बहुत अच्छा ग्रेड आ रहा है, रैंक आ रहा है, इट मीन्स दैट ही वॉज ओनली हैविंग स्टडी, नॉट लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम स्टडी ही वॉज ऑल्सो हैविंग फन, ठीक है ना, ठीक है। अब देखते हैं, बाई द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड। अब देखो, अब सेकेंड ग्रेड में, जब ये सेकेंड ग्रेड में है, उस समय की बात हो रही है। ई ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। अब जो भी इनके होम टाउन में ना टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज थे। अब स्पीसीज क्या होते हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं। ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल दैट आर ऑल द सेम एंड दैट कैन बी ब्रीड टुगेदर। देखो वो बोलते हैं ना, ग्रुप में, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स के ग्रुप या एनिमल्स के ग्रुप, ठीक है ना, जो एक ही टाइप के होते हैं और अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति के होते हैं, उसी को हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। आ रही है समझ में ना, तो उसी की बात हो रही है। तो 25 डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट काइंड्स ऑफ स्पीसीज जो थे वो कलेक्ट किए थे जितने भी उनके होम टाउन में थे। आ रही बात समझ में ना, थोड़ा सा उसको देखते हैं कि कौन सा वो स्पीसीज थे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो ये थोड़ा सा हम लोग का पीछे चला गया है। So if you want to remember this, then you can. But otherwise, this is not important. But you have to read once time. आप इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 25 types के species थे जिसको उन्होंने क्या किया था, ठीक है ना, collect किया था। Okay guys. ये हमारा कंप्लीट था, राइट, हैव यू कंप्लीटेड दिस। हाँ ये हम लोग कंप्लीट कर दिए थे, बाकी आते हैं। अब देखो ये क्या होता है, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय बटरफ्लाईज कलेक्टिंग ही सेड, बट देन माय मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेबल्स ऑफ मोनार्क स्टेन। अब देखो उसके बाद से लगा ना कि अब किसी भी टाइप्स के बटरफ्लाईज को मुझे कलेक्ट नहीं करना है, वट एवर आई हैड टू कलेक्ट आई डिड, कि मैंने उसको कलेक्ट कर लिया। अरे बात समझ में, अब मुझे लग रहा था कि अब मुझे कोई भी ज्यादा स्पीसीज जो होता है ना बटरफ्लाईज का, उसको हमको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट एक बार ऐसा वाक्य होता है कि इनकी मम्मी एक इनको बुक ला के देती है, एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज ट्रेबल्स ऑफ मोनार्क 10। उस बुक का नेम क्या रहता है, तो ट्रेबल्स ऑफ मोनार्क 10 रहता है गाइज। ओके तो चलिए इसको पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाईज कलेक्टिंग। मतलब उनको लग रहा था ना कि शायद अब कलेक्ट करना, ऑल टाइप्स ऑफ द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज आई हैव कलेक्टेड, और अब शायद ये खत्म होने को था, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। ही सेड, कौन बोलते हैं, तो यहाँ पे रिचर्ड ई ब्राइट साहब जो है वो ऐसे बात को बोलते हैं। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक। अब उसके बाद क्या होते हैं, मेरी माँ ने मुझे एक चिल्ड्रंस बुक दिया, बच्चों को पढ़ने वाला बुक, कॉल्ड द ट्रेबल्स ऑफ मोनार्क 10, और उस बुक का नेम क्या था, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ बुक, मे बी इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन फॉर राइटिंग, वट वॉज द नेम ऑफ दैट बुक, द ट्रेबल्स ऑफ मोनार्क। सो देर इज अ नीड टू ऑल्सो अंडरलाइन ऑन योर नोटबुक, अदरवाइज आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू दैट पीपीटी। ओके अब आगे देखते हैं, दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क्स बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। अब देखो यहीं से कहानी स्टार्ट होता है, व्हाट वाज द जर्नी, जैसे कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था ना, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ। आखिर रिचर्ड ई ब्राइट लाइफ के जीवन में एक बुक कैसे टर्निंग पॉइंट बना ना, सो वी विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पैराग्राफ। ओके सो वी मस्ट हैव टू रीड दैट पैराग्राफ वेरी केयरफुली, आफ्टर दैट वी विल गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके गाइज तो चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके दैट बुक, अब देखो स्टार्ट करते हैं, द ट्रेबल्स ऑफ मोनार्क 10, दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज। तो यहाँ पे मोनार्क जो वर्ड यूज किया गया ना, इट इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ बटरफ्लाइज, जो कि मोनार्क बटरफ्लाइज होता है,
ठीक है ना। अब ये क्या होता है ना, लार्ज माइग्रेटरी ऑरेंज। अब देखो इसका थोड़ा सा हम लोग अपियरेंस की बात करते हैं, तो लार्ज माइग्रेटरी ऑरेंज, ऑरेंज एंड ब्लैक। अब देखो जो इसका अपियरेंस था ना, तो ऑरेंज और ब्लैक कलर का ये होता है। आई बस समझ में ना। आई हैव डन शिखर स्लाइड चेंज, आई हैव चेंज द स्लाइड शिखर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज? आर यू एबल टू सी? क्या सभी को स्लाइड दिख रहा है? बताइए आप सभी मुझे, स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यू हैव टू टेक्स्ट द मैसेज। दिख रहा है ना? वेरी गुड, यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, इसी की बात हो रही है अभी। ओके दिख रहा है। ओके गाइज स्टॉप टेक्सटिंग मैसेज, नाउ फोकस हियर। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है क्या? दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द। अब देखो माइग्रेट मतलब होता है ना टू जस्ट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक स्टेट को छोड़कर वो दूसरे स्टेट में जाकर सेटल हो गए, उसी को हम लोग माइग्रेट करते हैं। तो आप जनरली देखते हो कि एनिमल के साथ भी ये होता है। एज वी हैव रेड वेन वी वर इन क्लास 9 हैप्पी प्रिंस, हमने पढ़ा था ना, उसमें भी क्या थे कि बर्ड क्या कर रही थी, दूसरे स्टेट में जा रही थी सेटल होने के लिए, बिकॉज ड्यू टू हैवी कोल्ड। अरे बस समझ में ना, काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी वहां पे, दैट्स वाई वो जो बर्ड थी वो दूसरे कंट्री में जाकर सेटल होना चाहती थी, माइग्रेट। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बन रहा है कि आखिर क्यों मोनार्क बटरफ्लाईज सेंट्रल अमेरिका से माइग्रेट करके दूसरे जगह पे, ठीक है ना, वो सेटल हो रहे थे। और दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट ना, यही मेन कारण था कि इस बच्चे का इंटरेस्ट और भी ज्यादा क्या होता है ना, बढ़ जाता है, इनहेंस हो जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। कि व्हाट वाज द मेन रीजन, द ईगर यंग कलेक्टर। यहाँ पे कलेक्टर कौन है? पर्सन हु कलेक्ट्स। तो कलेक्ट कौन कर रहे हैं? हमारे ई ब्राइट साहब कर रहे हैं। अरे बात समझ में ना, ठीक है। तो उसी को लेके अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोनार्क बटरफ्लाइज क्या होता है। अ लार्ज माइग्रेटरी, माइग्रेटरी मैंने बताया जो एक स्टेट से छोड़ के दूसरे, सॉरी एक जगह, इट मींस एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाकर, ठीक है ना, सेटल हो जाए, ठीक है ना, दूसरे कंट्री में चला जाए, तो माइग्रेटरी ऑरेंज। अब इसका अपीयरेंस कैसा रहता है? तो ऑरेंज और ब्लैक कलर की वो दिखती थी, जिसके कारण। अब देखो ये क्या कारण है कि वो माइग्रेट कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। लेकिन इनका इंटरेस्ट और भी ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। पहले इनको लगता था कि सारे टाइप्स के स्पीसीज को मैंने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, इट वाज 25 स्पीसीज गाइस। आ रही बात समझ में ना, अब आगे देखते हैं, ठीक है। और देखो उस बुक के अंत में क्या लिखा हुआ था, एट द एंड ऑफ बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। और जो भी उस बुक को पढ़ रहे थे ना, उनको जो स्पेशली जो बुक लिखे थे इंसान, वो बोल रहे थे कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप भी पढ़िए, आप भी जानिए व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, दैट द मोनार्क बटरफ्लाईज वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अरे बस समझ में ना, क्या क्या कारण है कि जो मोनार्क बटरफ्लाईज है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेशन है। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada, E. Brights. अब देखो तो ये जो डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट थे, जो अर्कहार्ट थे वो कहाँ के थे, तो टोरंटो के थे, टोरंटो कनाडा के। अरे बात समझ में ना, तो इन्होंने बोला था कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपको, ठीक है ना, इनवाइट है कि आप भी क्या कीजिए, टैग कीजिए, इट मीन्स जो भी आपको स्पेसिस मिल रहा है उसको लेने के बाद आप क्या कीजिए, एक जो आपका पेपर होता है उस पर टैग कीजिए, और आपको रीजन जानना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट दे आर माइग्रेटिंग। अरे बस मैं ना इसमें मेरे को हेल्प भी करना है, इफ यू हैव सच काइंड्स ऑफ सजेशन एडवाइस देन यू हैव टू गिव मी। अब आगे देखो क्या होता है, ठीक है। अब आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू रीड, आगे देखते हैं। अब देखो ई ब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट एंड Soon Ebright was attaching light adhesive tag to the wings of monarchs. अब देखो उसके बाद क्या लिखते हैं ना, उनकी माँ short kind of letter लिखते हैं कि definitely my son will also participate in that project. आड़ी बात समझ में ना कि मेरे son भी क्या करेगा, कि इस project में participate करता है, उस type का वो letter लिखती है doctor Urquhart को। आड़ी बात समझ में ना, और उसके बाद वो क्या बोलती है, at soon, और उसके बाद Ebright was attaching light adhesive. Adhesive means होता है short kind of stick. जब आप किसी सरफेस पे किसी चीज को चिपका देते हो उसी को एडहेसिव बोला जाता है, चिपकाना, एबल टू स्टिक फास्ट,
और सरफेस और ऑब्जेक्ट किसी चीज को चिपकाना, तो वो क्या करने लगते हैं, विंग्स को, मोनार्क्स विंग्स को, सर्ट काइंड ऑफ मोनार्क्स बटरफ्लाइज को सर्च करने लगते हैं और अपने, ठीक है ना, बुक पर चिपकाते हैं उसको. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. The butterfly collecting season around breeding last 6 weeks in late summers. अरे बस समझ में ना, इस लाइन को अच्छे से पढ़िएगा. अब बोला था कि जो कोई भी इस बुक को पढ़ रहा है ना, तो आपको क्या करना है कि आपके पास मोनार्क जो बटरफ्लाई मिलेगा उसको लेके आप टैग करना और मेरे पास सेंड करना है उसको. कौन बोले थे, तो डॉक्टर उर्खात बोले थे. ओके, एंड दैट द सेम बुक वॉज रीडिंग, ओके, हु दैट E-Bright उस बुक को पढ़ रहे थे. अरे बात समझ में ना. अब देखो उसके बाद लिखा हुआ है, the butterfly collected season around breeding last 6 weeks in late summer. अब देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है, द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, यानी जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग यानी कलेक्ट करने का जो उनका सीजन था, समय था, वो अब लास्ट समर चल रहा था. अरे बात समझ में ना, इट मीन्स कि विंटर स्टार्ट हो गया था, ठीक है. It was the starting of winter. मात्र 6 weeks आप बोल सकते हो समर का इसमें से निकल गया था, ठंड स्टार्ट हो गया था. Okay everyone, getting? दिक्कत है क्या किसी को? ठीक है. अब देखो ये कितने टाइप्स के कलेक्ट करते हैं भाई साहब, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं. अब देखो, if you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for E. Bright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in and through their life cycle from egg to caterpillar, caterpillar to pupa and adult butterflies. अब देखो सिंपल से समझना इस बात को अच्छे तरीके से, ठीक है. अब इनके बाद इन्होंने सोचा कि अगर मैं एक एक करके अगर बटरफ्लाइज को पकड़ता हूँ, दैट विल टेक टू मच टाइम एंड आई विल नॉट एबल टू कैच सो मेनी बटरफ्लाइज. अरे बस समझ ना, बहुत सारे बटरफ्लाइज को मैं कैच भी नहीं कर पाऊंगा, पकड़ भी नहीं पाऊंगा, ठीक है. तो उन्होंने सोचा कि क्या मतलब, मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले तो फ्लॉक जहां पे ग्रुप में हूं वहां पे देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वहां पे पकड़ने की कोशिश करता हूँ और उसमें से मेरे को एक सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, एक को जो क्या हो तो फीमेल मोनार्क हो, यानी कि फीमेल, ठीक है ना, मोनार्क बटरफ्लाईज हो. अरे बात समझ में ना, और उसको रखकर और हम क्या करेंगे, अपने बेसमेंट में रखेंगे जब तक कि वो रिप्रोड्यूस दूसरा नहीं करता है. जैसे कि टेक हर एग्स एंड रेज देम इन बेसमेंट, ठीक है ना, उसके एक को लेके कहाँ पे रखेंगे, तो अपने बेसमेंट में रखेंगे जो एक सॉर्ट काइंड ऑफ कंटेनर होता है. अरे बात समझ में ना. और थ्रू देयर लाइफ साइकिल, अब लाइफ साइकिल कहने का मतलब क्या होता है, अब देखो अच्छी तरीके से समझना. वी हैव टू टेक एग्जाम्पल ऑन आवर सेल्फ. ओके, अब आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना, इफ वी टॉक अबाउट आवर ऑल्सो लाइफ जर्नी, तो आप जानते हो बेबी टू एक्सटेंड आवर सेल्फ, ठीक है, तो आप देखते हो कि क्या होते हैं, वो एक यंग होते हैं फिर बुढ़ापा आता है. अरे बात समझ में ना, तो वैसे ही जब हम प्यूपा और, ठीक है ना, दिस सॉर्ट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इनका भी स्टार्ट होता है. देखो फ्रॉम एग टू कैटरपिलर्स, ये कैसे होते हैं, पहले एक से कैटरपिलर्स में जाते हैं. और इट कैन बी कम इन योर एग्जामिनेशन टू टेल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ कैटरपिलर्स. यहाँ पे मे बी यह हो सके कि एक नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए. अरे बस समझ में ना, वन मार्क्स का एक क्वेश्चन हो. सो यू मस्ट हैव टू अंडरलाइन द लाइफ साइकिल ऑफ कैटरपिलर ऑल्सो, सॉरी बटरफ्लाई ऑल्सो. फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, तो ये इनका लाइफ सर्कल होता है. ओके, अब देखो यहाँ पे लाइफ सर्कल का मतलब मैंने लिखा भी है, द सीरीज ऑफ चेंज इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन. आई होप यू ऑल आर गेटिंग, आप सभी को समझ में आ रही है, ठीक है. तो इन्होंने एक ऐसा ही आइडिया सोचा है कि अगर मैं क्या करता हूँ गाइज, ठीक है ना, कि अगर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, कि एक एक करके मैं सेलेक्ट करने जाता हूँ, ठीक है ना, खोजने जाता हूँ, सर्च करता हूँ, तो मोनार्क बटरफ्लाईज को, दैट विल टेक टाइम, ठीक है ना. एक क्यों ना ऐसे फीमेल मोनार्क को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जो अभी एक ले करने को, और आफ्टर दैट उसको हम क्या करेंगे, एक बेसमेंट में रख देंगे, ठीक है, वहां से तो बहुत सारे आप मिल सकते हैं ना मुझे, तो ये ऐसा अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो, और उसके बाद वो क्या करेंगे, उस बटरफ्लाई का विंग्स, ठीक है ना, उसको टैग करके और उसको भेजेंगे किसके पास, डॉक्टर उर्खात के पास. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू द थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. अब देखो, अब बहुत सालों तक ना उनके घर में ये क्या हो गया ना, तब बोलोगे कि एक तरफ से होम हो गया बटरफ्लाईज का, घर हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे मोनार्क्स बटरफ्लाईज का, ठीक है ना, और डेवलपमेंट का. अब ये भी अब सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि क्या कारण है कि ये सब छोड़ के जा रहे हैं.
वी विल ऑल्सो रीड वेरी सुन अबाउट दिस ऑल्सो, ओके, इसके बारे में हम लोग बहुत जल्द पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग पहले पढ़े थे कौन कौन से टाइप्स। अब देखो इसके बाद ना एक टाइप्स होता है, आई थिंक इट हैज गिवन इन योर बुक, ओके, यू मस्ट हैव टू सी पेज नंबर, योर पेज नंबर आई थिंक 34। If it is possible, if you are keeping your book with yourself, then you have to open page number 34. अब देखो इसमें दिया हुआ है ना number of numbers and kinds of butterflies collected in 6 weeks, ठीक है ना, यानी कि numbers of butterflies जो कि वो collect किए थे 6 weeks में उसकी बात हो रही है, ठीक है, 6 weeks में। तो आप इसमें देख सकते हो कि तब भी इनको कितना मिला था, तो एक monarch बटरफ्लाईज मिली थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं ब्रश फुटेड टाइप्स बटरफ्लाई, तो देयर आर थ्री टाइप्स, तीन मिली थी इनको। अरे बस समझ में, तो ऐसे ही आप पैराग्राफ देख सकते हो। टेल मी गाइस यस और नो, क्या आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, यू हैव टू टेक्स्ट मैसेज राइट नाउ एज आई एम सेइंग। अब मैसेज कीजिए और बताइए मुझे। करिश्मा यस सर, वेरी गुड, ब्रश 10th है, अच्छा सबसे ज्यादा वही है, ठीक है, यस सर अपूर्वा, वेरी गुड अपूर्वा, शुभम वेरी गुड, अदिति वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा, बहुत कम ही बच्चे मैसेज कर रहे हैं। सुमित राज यस सर, निहारिका वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बोल रहे हैं इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अब बोल रहे हैं जब स्टार्टिंग में मुझे मैंने टैग करना स्टार्ट किया बटरफ्लाइज को, थे मुझे बहुत ही ज्यादा क्या लग रहा था ना, टीडियस वर्क, थकाने वाला वर्क लग रहा था, ठीक है ना। इट हैज ऑल्सो गिवन हियर मीनिंग टायर्डसम, इट इज टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। ई ब्राइड सेड इन ऑल द टाइम आई डिड ही लाफ्ड ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव। अब देखो वो बोल रहा है ना कि बहुत देरी बाद, बहुत ज्यादा करने के बाद मैं मात्र टू टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, बटरफ्लाइज को वो टैग कर पाए, और जिसको कहाँ पे भेजना था तो 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम, ठीक है। आगे देखते हैं, अब चलिए अब आगे देखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। व्हाट लेसन डज ईब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट साइंस फेयर, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो पढ़ेंगे और, ठीक है गाइस, आ रही बात समझ में, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट लेसन डज ईब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंटिफिक साइंस फेयर, पहला बात ये उनको कैसा फील होता है, क्या लेसन वो सीखे। व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक, और उसके बाद वो कौन कौन सा, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, और उन्होंने क्या क्या सीखा, किस किस क्वालिटी के कारण, ठीक है ना, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का टैग उनको मिलता है। आगे बात समझ में ना, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे इन अपकमिंग, ओके गाइस, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए और पढ़ते हैं, आखिर इसके बाद तो कोई क्लास है नहीं, देन वी हैव टू एंजॉय आवर क्लास, ओके गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू, ओके, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट लेसन डज ईब्राइट लर्न, कि क्या लेसन वो सीखते हैं जब पहली बार वो जब हार जाते हैं, उनको कोई अवार्ड नहीं मिलता है, ठीक है ना। देख लो कोई भी जो बहुत बड़ा इंसान बनता है ना, स्टार्टिंग में वो फेलियर रहता है। अब ये नहीं कि सर तब हम भी फेलियर हो जाते हैं उसके बाद सक्सेस मिलेगा हम लोगों को, ऐसा नहीं। यू हैव टू गिव योर बेस्ट ईच एंड एवरी टाइम, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पीपल टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, ओके अखिलेश वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको। देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट अ हिंट व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर। अब देखो काउंटी का मतलब क्या होता है, रीजन, ठीक है ना, रीजनल होता है, रीजनल। तो अब देखो जो जहां पे थे पार्टिकुलरली, वहां पे क्या हुआ ना, एक साइंस फेयर लगा हुआ था एंड लॉस्ट, वहां पे वो हार जाते हैं। इट वाज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वन समथिंग। बोल रहे थे ना कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग महसूस हो रहा था, बहुत ज्यादा दुख
ठीक है ना, फील हो रहा था बिकॉज एक्सेप्ट मी एवरीवन इज गेटिंग ओके, सभी को कुछ ना कुछ मेडल मिल रहा था, अवार्ड मिल रहा था, बट मुझे ही कुछ नहीं मिल रहा था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? बट ईब्राइट सेड हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू व्हिच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप ओके, माइक्रोस्कोप। अब ईब्राइट बोलते हैं ना कि जो इनका एंट्री था स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यू के बारे में वो बता रहे थे उसमें, और उन्होंने माइक्रोस्कोप में इसको दिखाने की कोशिश की। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, ठीक है ना, उनको महसूस हुआ वहां पे क्या चीज महसूस हुआ, यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड गाइज ओके, आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना। पहला जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि उनको क्या रियलाइज होता है, तो ही रियलाइज द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, यानी जो विजेता है उसने रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, मेरे लिए मेरी तरह सिंपल नहीं कि बस प्रदर्शित कर दे, दिखा दे एक साफ सुथरा और क्लीन सा, ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, दैट्स व्हाई ही वन, वो वहां पे जीतता है। आगे देखते हैं, ऑलरेडी द कॉम्पिटेटिव स्पिरिट that drive Richard E. Bright was appearing, I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. अब देखो अगले बार क्या होता है ना कि वो ये बोलते हैं, अब उसके बाद से ना इनके पास एक कंपटीशन वाला कंपटेटिव स्पिरिट जो होता है ना वो इनमें इनहेंस हो जाता है, वो बढ़ने लगता है, अरे बस समझ में, और ये सोचते हैं कि नेक्स्ट ईयर मुझे पार्टिसिपेट करना है, एनी हाउ आई हैव टू विन ओके द मेडल, मुझे मेडल भी जीतना है एनी हाउ, और आई विल डू सम रियल एक्सपेरिमेंट, मैं कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा दैट साइंस एग्जीबिशन, अरे बस समझ में ना उसमें। अब देखो क्या होता है, द सब्जेक्ट फील्ड आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन पास्ट सेवरल ईयर्स, सो ही रोड टू डॉक्टर अरखार फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ सैक अ स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट। पढ़ते हैं बढ़िया से, इसको समझने की कोशिश करते हैं। द सब्जेक्ट फील्ड यानी वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है फील्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या है फील्ड, जिस परिवेश जो उनका एक अपना होता है, जैसे कि आपका होता है ना मैथ केमिस्ट्री सॉरी मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी इंग्लिश, तो आपका कोई दो तीन सब्जेक्ट सब्जेक्ट काफी ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है ना, तो आप उसको बोलोगे कि वो मेरा क्या हो गया अपना फील्ड हो गया कि मैथ में आ जाओ, ठीक है ना, जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, तो कोई भी जब अपना 100% देता है तो सोचता है कि व्हाट इज माय फेवरेट फील्ड, फेवरेट सब्जेक्ट, यानी जिसमें मैं अपना 100% दे सकता हूँ ओके, द सब्जेक्ट ठीक है ना, आई न्यू मस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क। अब देखो बोल रहे थे जिस सब्जेक्ट पे मैं बहुत ज्यादा वर्क कर सकता था वो क्या था, तो इंसेक्ट के बारे में मुझे अच्छा खासा ज्ञान था और उस पर ही मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकता था। अब ये क्या करते हैं, तो डॉक्टर अरखात को ये लेटर लिखते हैं कि सर कुछ मुझे आइडियाज दीजिए जिसपे मैं वर्क करूं, और उधर से आता है ठीक है ना स्टैक ऑफ सजेशन, यानी बहुत सारा सजेशन इनको आता है, ठीक है ना, कि तुम क्या करो इस चीज पे एक्सपेरिमेंट करो ये तुम्हारे लिए बढ़िया होगा, तो उधर से भी सजेशन आया। एज ही हैज रिटन लेटर ही गॉट आल्सो फीडबैक अबाउट दैट टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, ये सब तुम लोग क्या करो ठीक है ना, इस पे तुम एक्सपेरिमेंट करो। गेटिंग एवरीवन, दोज केप्ट ईब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड led to prize project in county and international science fair, और यही कारण था ना कि जब वो हाई स्कूल में थे उसको ये काफी ज्यादा बिजी रखा था, ठीक है, क्योंकि वो जब भी अपना अपार्ट फ्रॉम स्टडी वो ये अपने हमेशा क्या तो वर्क के बारे में सोचते रहते थे कि कैसे मुझे क्या करना है, विन करना है और मुझे कुछ शो करके दिखाना है, अरे बस समझने, और यही कारण हुआ कि वहां पे ना ही वो केवल अपने रीजन में बट ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे वो प्राइज जीतते हैं ओके इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरी बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अब देखो यहाँ पे ना वाइसरी बटरफ्लाइज भी क्या होता है ना, शॉर्ट काइंड ऑफ बटरफ्लाई होता है, ठीक है, यू कैन सी इन योर बुक पेज नंबर 35, ड्यू टू लैकनेस ऑफ टाइम आई डिड नॉट डू ओके, मैं नहीं कर सका, अरे बस समझ में ना, थोड़ा सा आप लोगों को देखिए ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि नेक्स्ट ईयर जब उनका साइंस फेयर लगता है ठीक है ना, तो उसमें वो टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि जो वायसरी बटरफ्लाई जो होता है ना वो कॉपी करता है किसका, मोनार्क्स का, मोनार्क्स का क्या करता है वो कॉपी करता है। अब क्यों करता है भाई ये देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो वायसरी ये क्या है, तो ये भी एक स्पेसीज है ठीक है ना, टाइप्स ऑफ बटरफ्लाईज ठीक है ना, और दूसरा कौन सा बटरफ्लाईज है, तो मोनार्क्स है, यू कैन रीड ओके इन योर पेज नंबर 35 पेज में आप देख सकते हो और समझ सकते हो ओके। गेटिंग एवरीवन,
आ रही बात समझ में। अब देखो थ्योरी क्या था, वो थ्योरी में प्रूव कर रहे थे कि जो थ्योरी वाज दैट, थ्योरी ये था कि वायसरीज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब देखो अब समझना, वायसरीज जो बटरफ्लाइज थे ना वो अपने आप को हमेशा कॉपी कर रहे थे किसकी तरह, उनका जो अपियरेंस होता था मैक्सिमम देखने में क्या लगता था, ठीक है ना, तो वो मोनार्क की तरह देखने में लगते थे, और दैट्स व्हाई दे वर आल्सो कॉपिंग लाइक मोनार्क्स। क्यों करते थे मोनार्क्स की तरफ, क्योंकि जो बर्ड होता है ना जो इंसेक्ट को खाता है, तो मोनार्क्स का टेस्ट उन लोग को अच्छा नहीं लगता, तो मोनार्क्स बटरफ्लाई को वो लोग ज्यादा नहीं खाते थे, राइट। तो ये भी वायसरी अपने जान को बचाने के लिए वो क्या करते थे, वो भी अपने आप को शो करता था कि हम भी क्या है मोनार्क्स है, यानी अरे दूर से ही देख के मुझे वो नहीं खाए। अरे बस समझ में ना, जैसे कि सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आप मैंगो देखते हो ठीक है ना, तो हम लोग का कुछ होता है फेवरेट टाइप ऑफ मैंगो होता है जो हम लोग को आज तक पहचान में नहीं आया, बट हमारे पेरेंट्स काफी अच्छे तरीके से पहचान जाते हैं, ठीक है ना, उनका डिफरेंट डिफरेंट देखते हो ना, वो भी हम बोल सकते हैं स्पेसीज बोल सकते हैं उनके मैंगोज का। अरे बस समझ में, तो अगर हम बात करें कि देखो टॉप में क्या होता है ना, हाउ मोनार्क्स बटरफ्लाई डिफरेंट फ्रॉम वायसरी बटरफ्लाइज, अरे बस समझना, तो उनके बॉटम में देखना, पहला वाला जो है वो मोनार्क को बता रहा है, सेकेंड वाला जो है वायसरी को बता रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया कि ये दोनों अलग अलग क्या है स्पीसीज है, ठीक है ना, वायसरी और मोनार्क्स, और वायसरी क्या करता है ना तो कॉपी करता है, ये पहले लोगों को मालूम नहीं था, ठीक है, वो कॉपी करता है। क्यों कॉपी करता है, क्योंकि मोनार्क्स बटरफ्लाइज को बर्ड्स कभी नहीं खाते, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वायसरी भाई मीठा लगता होगा मे बी, ओके दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, यहाँ पे वो बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना, वायसरीज ऑन द अदर हैंड टू डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब देखो वायसरीज क्या था ना, दूसरी तरफ अगर वायसरी बटरफ्लाइज की बात करें तो जब वो उसका शिकार कर देते हैं बर्ड्स, तो उनको वो टेस्ट अच्छा लगता था, ठीक है ना, सो दे मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स दे लेस लाइक दे आर टू बिकम अ बर्ड डिनर। अब जितना वो अपने आप को शो करेंगे कि हम लोग मोनार्क्स बटरफ्लाइज है नॉट अ वायसरी बटरफ्लाइज, तो ठीक है ना, उतना ही हम कम डिनर बनेंगे किसके, तो बर्ड्स के, बर्ड्स हम लोग को कम खाएंगे। गॉट इट एवरीवन, क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, टेल मी गाइज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। आई कैन सी ओनली 26 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड, जो नहीं देख रहे हैं दे विल फिल रिपेंट ऑल्सो, ओके डोंट वरी अबाउट इट, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ए ब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड्स बर्ड फूड, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। अब देखो अब यहाँ पे लेकिन एक बर्ड्स जो थी वो डिफरेंट थी भाई, जैसे कि होता नहीं है कि अपने ही जैसे फैमिली में कोई होता है जो दूसरा डिफरेंट नेचर का होता है, मैक्सिमम का क्या होता है जो थिंकिंग एक जैसा होता है और एक का थिंकिंग क्या होता है डिफरेंट होता है, वैसे ही बर्ड के भी फैमिली मेंबर में ऐसा था, वो हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। ई ब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट, वास्तव में बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, कुछ बर्ड्स थे ना वो मोनार्क को भी खाते थे, ठीक है ना, ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड्स फूड, ठीक है ना, तो एक स्टारलिंग एक शॉर्ट काइंड की बर्ड है, ठीक है ना, अरे बात समझ में, छोटा होता है या बर्ड्स, तो वो जो है कि दूसरे जैसे कि बर्ड्स का ऑर्डिनरी जो उनका सामान्य भोजन होता है, तो वैसे टाइप का वो उस भोजन को वो लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, और जहां से उनको मोनार्क्स बर्ड देखने को मिलता है ना, मोनार्क्स बर्ड को ही वो, सॉरी मोनार्क्स बटरफ्लाइज को ही वो खाते हैं, कौन, स्टारलिंग, सो यू हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड, इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ वर्ड, ठीक है ना, जो कि वो दूसरे बर्ड्स से डिफरेंट है, दूसरे बर्ड्स को वायसरी अच्छा लगता है खाने में, लेकिन एक जो स्टारलिंग बर्ड्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या अच्छा लगता है, तो गेटिंग एवरीवन मोनार्क्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अब देखो अब क्या होता है ना, ई ब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शो दैट वायसरीज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिविजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। अब देखो जैसे ही इन्होंने ये प्रूव किया, ठीक है, किसके बारे में, तो मोनार्क्स के बारे में, कि मोनार्क्स वायसरी जो होती है बटरफ्लाइज वो कॉपी करती है मोनार्क का, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट के कारण उनको क्या मिलता है, तो फर्स्ट जूलॉजी डिविजन में मिलता है इनको, और ओवरऑल थर्ड पोजिशन मिलता है साइंस फेयर में,
ओके एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो पहले वाले में वो क्या हुए थे, उनको कोई भी अवार्ड नहीं मिला था। सेकंड वाले में जो इन्होंने अपना डिस्कवरी किया, इट वाज रियली मार्वेलस एंड दैट्स व्हाई ही गॉट पोजीशन आल्सो इन जूलॉजी डिवीजन। ही गॉट द थर्ड पोजीशन, सॉरी इन जूलॉजी डिवीजन ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन, एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑल ओवर द साइंस फेयर ही गॉट द थर्ड पोजीशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो उन्होंने अभी तक ये बात को बताया, यहां तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आई होप सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। ठीक है, अब देखो इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अब देखो सेकेंड ईयर हाई स्कूल में उन्होंने क्या किया, रिचर्ड ई ब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हॉर्मोन्स इनडायरेक्टली। ओके, तो चलिए इसके बाद जो भी हमारा पॉइंट है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज देयर आर ओनली 25 स्टूडेंट्स, दे आर शोइंग योरसेल्फ इंटरेस्टेड रिगार्डिंग स्टडी। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सभी बच्चों के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। गाइज, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द हैक ड्राइवर 3 or 4 लाइन, देन वंस अगेन टेक्स्ट मैसेज, आई कैन कंप्लीट। ओके, मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है देन यू मे आस्क, आप पूछ सकते हो। ठीक है, यू विल ऑल्सो गेट PDF, आज ही मैं PDF आप लोगों को भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, अदरवाइज वी आर जस्ट गोइंग टू एंड आवर क्लास। हैक ड्राइवर का लास्ट का 2 लाइन पढ़ा दो क्या, क्लियर हो गया आप सभी से? सभी से बोलो, सभी कोई बोलो तो। You have to text message guys, text fast. No problem sir. अगर किसी को problem है then you have to say. चलिए बोलिए आप सभी, I am just waiting for your reply guys. क्या last वाले points को complete करवाते हैं? बोलो आप सभी, द हैक ड्राइवर क्लियर है एकदम? क्या आपने उसको पढ़ा PPT से? देखो स्टार्टिंग में जो समरी है इसका, विच आई हैव गिवन, यू मस्ट हैव टू रीड अबाउट द ऑथर ऑल्सो एंड एज वेल एज अबाउट ई ब्राइट्स टू, दोनों के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा अच्छे तरीके से। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। ओके, एंड करें। बोलिए आप सभी, एंड करें। नो सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके,